हेलो एंड शालोम एवरीवन, एक बार फिर आपको बहुत प्यार भरा खुशामदीद कहते हैं आज के इस लाइव सेशन में, जबकि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम आपके साथ मिल सके। और जितने लोग भी इस समय हमें ज्वाइन कर रहे हैं, परमेश्वर की दासी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मैसेज आपके साथ बांटने जा रही हूँ। और मैसेज है कि पांच ऐसे स्टेप्स, पांच ऐसी सीढ़ियाँ जिनको चढ़कर आप अपने ब्रेक थ्रू यानी अपने छुटकारे को हासिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता ब्रेक थ्रू का मतलब क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि कोई चीज़ के लिए आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं और आपने अगर उसे नहीं देखा है या वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है वो चीज़, यानी वो प्रार्थनाओं का जवाब जो अभी तक नहीं आया, उसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। वो मिल जाना, वो चीज़ मिल जानी जिसके लिए आप दुआएं कर रहे थे, उसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं। और बहुत ही सिंपल पांच ऐसी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्राइमरली जो मैं बात करूँगी वो बुक ऑफ सेंट, बुक अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक, यानी कि लूका रचित सुसमाचार, लूका की अंजील, उसके आठवें चैप्टर के 40वें वर्स से लेकर 55 तक जो है, जिसमें आप याइर के बारे में पढ़ते हैं, जायरस के बारे में पढ़ते हैं, उस पूरे के पूरे जो एरिया है, पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है, उससे हम पांच ऐसी चीज़ें आज प्राइमरली सीखेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू यानी छुटकारे को हासिल कर सकते हैं। सो सबसे पहली बात ये है कि जब जो याइर है वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आता है, जिसका कि जिक्र आपको है, तो लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में बिछ गया, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर गया और उसने परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरे घर चले, और उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को बिल्कुल हम्बल कर दिया। तो पहला जो स्टेप होता है जब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी ब्रेक थ्रू को हासिल करते हैं, तो पहला स्टेप है कि हम अपनी प्रार्थना को, हम अपनी दुआओं को, हम अपनी सप्लिकेशन को परमेश्वर के सामने दीनता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो ये जानते हुए कि परमेश्वर के पास इसका हल है। सो जब वो इंसान, अगर हम याइर की बात करें तो वो एक ऐसा इंसान था, लिखा है आराधनालय का सरदार, यानी कि वो एक बहुत हाई लेवल की पोजीशन पर था, वो एक ऐसी पोजीशन पर था जिसको लोग लुक अपॉन करते थे। और उसने ये नहीं सोचा कि जब वो इतनी भीड़ के पीछे, जब परमेश्वर के साथ इतनी सारी भीड़ है, जब इतनी सारी भीड़ के बीच में से भी होकर वो परमेश्वर के पास आया होगा, प्रभु यीशु के पास आया होगा, तो एक बार तो उसका सोचना संभव था, पॉसिबल था कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं झुक के परमेश्वर के कदमों में लेट रहा हूँ और मैं प्रार्थना जो है अपनी विनती को रख रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार को उसके आया हो, लेकिन जो चीज मैं आपको इस पूरे वाक्या से बताना चाहती हूँ, जबकि वो पैरों में गिरा और उसने परमेश्वर से विनती की, तो सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं इस बात में कि देखिए, जब हम दीन होकर अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम दीन होकर ह्यूमिलिटी के साथ हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो वो चीज, इट मूव्स द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, वो चीज परमेश्वर के हृदय को छू जाती है। सो यहाँ पर क्या हुआ, हो सकता है और भी बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हो, लेकिन उसके दीनता के साथ की गई प्रार्थना और विनती को परमेश्वर ने स्वीकार किया और प्रभु कहते चले, तो परमेश्वर उसके साथ उसके घर को चलने के लिए तैयार हो गए। सो सबसे पहला ब्रेक थ्रू का रूल ये है दैट वी हैव टू प्रेजेंट आवर प्रेयर्स, हमें अपनी दुआओं को परमेश्वर के साथ ह्यूमिलिटी के साथ रखना जरूरी है। देखिए दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं, यहां पर आप देखिए कि ये लिखा है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो कि 12 साल की थी वो मरने पर थी। दूसरी बात जो समझ में आती है वो ये है कि हमें, वी हैव टू बिलीव, हमें इस बात पर ईमान रखना है, हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास रखना है कि हमारी वो प्रॉब्लम, हमारी वो चीज़, हमारी वो सिचुएशन कोई इंसान नहीं ठीक कर सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। हालेलुया,
कई बार क्या होता है कि इंसान कोई भी प्रॉब्लम में से निकलते 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 इतना कठोर हो जाता है, इतना सख्त दिल का हो जाता है कि उसे लगता है कि ये चीज़ मैं अपने आप ही हैंडल कर लूँगा। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो कई बार ऐसा होता था कि मैं अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती थी, ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में छोटी छोटी बड़ी बड़ी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो जैसे मुझे लगता था ये सिचुएशन तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, ये भी सिचुएशन को मैं ऐसे हैंडल कर लूँगी, प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, तो मैं बड़ी चीज़ों को लॉजिकली सोच के जब करती थी तो कई बार मैं ये सोचती थी कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर को काहे को इन्वॉल्व करना है, क्यों ये छोटी छोटी बातों में हम परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, परमेश्वर के पास इतनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट होती होंगी पूरी दुनिया की, तो मैं ऐसे बीच में परमेश्वर का ध्यान अपनी तरफ लगाती रहूं। ये तब की बात है जब मैं प्रभु को जानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया, मेरा हाथ थाम लिया, तो मैंने जाना कि चाहे हमारे लाइफ की छोटी सी बात है, चाहे हमारी लाइफ की बड़ी बात है, चाहे हमारी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस है जो हम हैंडल कर सकते हैं, चाहे ऐसी सिचुएशंस है जो हम हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर उन सभी चीज़ों में इक्वली इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसके बाद आपको ये जानकर हंसी भी आएगी और आप शायद ये सुनकर मुस्कुराएंगे भी, यहाँ तक कि जब मैं किचन में भी जाती हूँ, और इन दिनों में तो लॉकडाउन का आपको पता है कि समय है तो डोमेस्टिक हेल्प्स भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो जब मैं किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं प्रार्थना करके जाती हूँ। और जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं परमेश्वर को इनवाइट करती हूँ कि प्रभु लेट्स मेक द फूड टुगेदर, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। और जितने लोग भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं सब मेरे को कहते हैं कि दीदी आपके हाथ में कुछ अलग ही है, तो मैं कहती हूँ मेरे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर की वजह से है, क्योंकि मैं इतने छोटी छोटी चीज़ों को जिनको इवन मैं हैंडल कर सकती हूँ मैं उसमें भी परमेश्वर को इनवाइट करती हूँ। सो दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सिखाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम परमेश्वर को इसलिए बिलीव करते हुए अपनी सिचुएशंस में बुला लेते हैं, ये जानते हुए कि हमारी ये सिचुएशन सिर्फ परमेश्वर ही हैंडल कर सकते हैं, और जैसे वो हैंडल करेंगे सबसे बेस्ट हैंडल करेंगे, तो ये सेकेंड स्टेप होता है, सेकेंड सीढ़ी होती है हमारी ब्रेक थ्रू की ओर हमें ले जाने के लिए। हालेलुया। एक चीज और आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है, जब हमारी स्पिरिट क्रश्ड होती है, उस टाइम पर जब हम परमेश्वर के सामने उस दिल को रख देते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड, वो सबसे उत्तम चीज है जो हम परमेश्वर के नजर कर सकते हैं, उनको नजराने की तौर पर दे सकते हैं। सो इसलिए ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, बड़ी है या छोटी है, जस्ट गिवन टू द हैंड्स ऑफ गॉड, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में उसे दे दीजिए, जानते हुए कि उसका सलूशन प्रभु की ओर से आएगा। और एक चीज और बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है जो कि आपको यशायाह नबी की किताब उसके 65 चैप्टर के 24 आयत में मिलेगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि इससे पहले कि वो बोले मैं उन्हें सुन लूंगा, और इससे पहले कि उनकी प्रार्थनाएं कंप्लीट हो, वो बोल चुके हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो यहां पर इंग्लिश में बहुत प्यारे बात लिखी है, इवन बिफोर दे कॉल आई विल आंसर, इससे पहले कि वो आवाज दे मैं जवाब दे दूंगा। और ऐसा लिखा है व्हाइल दे आर स्टिल स्पीकिंग, परमेश्वर कहते हैं कि जब वो बोल ही रहे होंगे, अपनी जरूरतों के बारे में बता ही रहे होंगे, आई विल गो अहेड एंड आंसर देयर प्रेयर्स, कि मैं आगे जाकर आगे बढ़कर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे दूंगा। आमीन। सो इसलिए ये दूसरा रूल है। तीसरी बात आप देखें कि हम उस जगह पर पढ़ते हैं कि बहुत रश था, बहुत रश था, और ऐसा लिखा है कि रश जो था, जो क्राउड था, वो जो भीड़ थी, वो इतनी ज्यादा थी कि ऊपर ऊपर गिर रही थी, इतने लोग थे कि एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, यानी पैर रखने की जगह नहीं थी। और इतने बड़े क्राउड में हो सकता है इतने सारे लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, इतना शोर हो, इतना रश में इतना परमेश्वर की डिमांड बढ़ चुकी थी कि अब वो बंदा, मैं थर्ड रूल आपके साथ शेयर कर रही हूं कि वो बंदा यहीर वहां खड़ा होकर देख रहा हो कि प्रभु बुलाने तो मैं आया था लेकिन अब इतनी सारी भीड़ में इतने सारे लोगों को आपकी जरूरत। सो हियर ही वॉज स्टैंडिंग विद पेशेंस, वो यहां पर
धीरज के साथ खड़ा होकर परमेश्वर के फ्री होने की बात जो रहा था, यानी वो वेट कर रहा था कि परमेश्वर कब फ्री होंगे। और स्पेशली यहीं पर वो 12 साल की रोगी जो औरत थी वो आ गई, जो कि 12 साल से बीमार थी। अब उसका वो सारा जो किस्सा था वो इसी दरमियान चल रहा था, और ये मुझे लगता है कि यहीर वहां खड़ा होकर साइड पे सोच रहा होगा कि प्रभु आप प्लीज थोड़ा जल्दी करें, आपको पता है मेरी बेटी की तबीयत कैसी है, ये ना हो कि कहीं वो मर जाए, ये ना हो कि हमारे जाने से पहले पहले ही कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं मैं चाहता हूं। तो वो इंसान वहां खड़ा रहा, उसने कोई जोर नहीं किया, कोई जबरदस्ती नहीं की, कोई चिल्लाना नहीं किया, कोई शोर मचाना नहीं किया, बट ही वॉज पेशेंट, और उसने पेशेंटली किसी और की जरूरत को पूरा होते हुए उस जगह पर देखा। तो ये तीसरा रूल है कि हम पेशेंटली, हम धीरज के साथ, हम सुकून के साथ, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा कर देंगे समय के अनुसार, हम वहां पर खड़े रहते हैं, हम वेट करते हैं। तभी कलाम कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, कि शांत रहो, चुपचाप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। भजन संहिता 46:10 में ऐसा लिखा है। ओके, तो ये तीसरी चीज है जिसमें जो हम समझते हैं कि हमें जानना जरूरी है कि तीसरा स्टेप कौन सा है कि हम अपनी ब्रेक थ्रू को हासिल करने के लिए पाते हैं। चौथा स्टेप देखिए, वर्स नंबर 49 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, वो 12 साल की जो रोगी औरत थी वो ठीक हो गई थी, और ये सारी चीज के बाद में 49th वर्स में उस सरदार के घर में से, उस चीफ के घर में से एक बंदा आता है, सेवक आता है, और उसे कहता है कि अब तेरी बेटी मर गई है, अब कोई फायदा नहीं है जाने का। सो अब गुरु को आगे के लिए कष्ट मत दे और तू अब वापस उनको भेज दे। लेकिन यहां पर आप देखें 50th वर्स में 50वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डर मत, विश्वास कर। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि डरना नहीं है, सिर्फ ईमान रखना है, और प्रभु कहते हैं अगर डर मत, विश्वास कर। और सिर्फ इतनी बात परमेश्वर कहते हैं और वो स्टिल हो जाता है, वो उस चीज को सुनकर खड़ा हो जाता है, शांत हो जाता है। और यहां पर चॉइस की बात की गई है, तो चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी दैट वी हैव टू मेक अ चॉइस। हमें इस बात में चूज करना होता है। अब संसार क्या कह रहे हैं, 49th वर्स में ये बात कही जा रही है कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट मत दे, और 50th आयत में, 50वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं डर मत, विश्वास रख। तो अब आपको और मुझे चूज करना होता है, हमें चुनाव करना होता है कि क्या हम वो बात को माने जो कि संसार कह रहा है, या हम उस बात को माने जो कि वचन कह रहा है जो प्रभु के मुंह से निकला। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान जो है, हम जो लोग हैं, हम जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम कैसे जिंदा रहते हैं, हम परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से, हर एक वचन से जिंदा रहते हैं। और हम सिर्फ रोटी से नहीं, रोटी तो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को चाहिए, लेकिन हमारे अंदर का जो स्पिरिट पर्सन है उसे इक्विप करने के लिए, उसे स्ट्रेंथन करने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। तभी जब आप देखेंगे कि जब आप उपवास में जाते हैं, रोजे रखते हैं, फास्टिंग पे होते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती, क्योंकि जब आप वचन पढ़ रहे होते हैं, आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होते हैं, आपको ऐसे लगता है कि आप सो यू फील सो फुलफिल्ड, आपको भूख नहीं लगती। आपसे कोई कहते हैं खाना खाना है, तो आपको ऐसा नहीं होता हाय मैं तो बहुत भूखा हूं, मुझे जल्दी जल्दी खाना दो। आप कहोगे मुझे आज सुबह से भूख ही नहीं लगी, मुझे भूख जैसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे लिए जब परमेश्वर वचन को रिलीज करते हैं, अपने मुख से कोई बात कह देते हैं, वो हमें स्ट्रेंथ देता है, वो हमारी बॉडी को नरिशमेंट दे देता है, और उस नरिशमेंट के साथ हम उस वचन को पकड़कर आगे चल पाते हैं। आमेन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर चौथी जो बात है, चौथा जो स्टेप है, वो हमें सीखने को मिलता है कि हम चुनाव करें कि क्या जो बातें संसार कह रहा है, क्या जो सिचुएशंस दुनिया दिखा रही है, क्या जो बातें हम देख पा रहे हैं, क्या जो चीजें न्यूज बुलेटिन हमें दिखा रहे हैं, क्या जो चीजें हमें सर्वेज और स्टैट्स से पता चल रही है, क्या हमारा विश्वास उन पर होना चाहिए या हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए।
अब यहाँ पर याइर ने चूज किया, he had a choice between both the things, तो उसने चूज किया कि परमेश्वर कह रहे हैं कि डर मत याब रख, तो उसने उस बात को पकड़ लिया कि हाँ आई विल चूज कि जो प्रभु कह रहे हैं मैं उस बात पर चलूंगा। हालेलुया। तो ये थी चौथी बात। देखिए अभी तक हमने चार चीजें पढ़ ली है, सीख ली है। सबसे पहला ये कि हम अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी दुआओं को परमेश्वर के सामने हलीमी के साथ लेकर आए। दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि ये जानते हुए कि हम बिलीव करें, हम इस बात पर ईमान रखें कि हमारी प्रॉब्लम का हल जो है वो सिर्फ परमेश्वर के पास है और सबसे बेस्ट इंतजाम हमारे लिए प्रभु ने किए हैं। तीसरी बात यह है कि हम पेशेंस के साथ, हम तसल्ली के साथ, हम धीरज के साथ उस समय के लिए वेट करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, ताकि प्रभु उस काम को, उस ब्रेक थ्रू को दिखा सके। और चौथी बात कि हम चॉइस करते हैं, हम चुनाव करते हैं कि हम दुनिया की बात पर ईमान रखें कि हम परमेश्वर की बात पर ईमान रखें। तो ये चार पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, वेरी गुड। ओके, और पांचवी और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए जब वो घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लोग रो रहे थे, पीट रहे थे, बुरा हाल था सबका इस बात को जानते हुए कि लड़की मर चुकी थी। दैट वॉज अ फैक्ट, रियालिटी ये थी कि लड़की मर चुकी थी। बट फैक्ट ये भी था कि जिस परमेश्वर के साथ यईर चलकर उस घर में वापस आया था, वो परमेश्वर हालातों को बदल सकता था। आमीन। यानी कि सिचुएशन क्या कह रही है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप इस बात पर विश्वास रख सकते हैं कि आपकी सिचुएशंस को टर्न अराउंड करने वाला परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अब यहां पर पांचवी चीज जो आप देखेंगे, 52 आयत को अगर आप पढ़े तो लिखा है कि सब लोग रो रहे थे और परमेश्वर ने वहां जाकर, प्रभु यीशु मसीह ने एक डिक्लेरेशन की, एक घोषणा की, और उन्होंने कहा कि लड़की मरी नहीं है, सो रही है। अब जरा सोचें, एक घर में जहां पर मरियत का माहौल हो, जहां पर एक बच्ची मर चुकी है, वहां पर जाकर परमेश्वर एक बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि बच्ची तो सो रही है, मरी नहीं है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? वही जो हम देखते हैं, लोग हंसना शुरू हो गए। मतलब रोते रोते लोग मजाक में हंसना शुरू हो गए कि ये कहां से आ गए, इसको क्या पता रियलिटी क्या है, ये बोता बना फिरता अपने आप में। लेकिन हुआ क्या, देखिए यहां पर अब जो बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर सारी सिचुएशन याइर के सामने है, सारी सारा मंजर उस इंसान के सामने है। हो सकता था कि वो भी अपने दिल में टूट चुका होता और सोच रहा होता कि प्रभु सिचुएशन तो कुछ और कह रही है, प्रभु जी लड़की मर चुकी है, लोग रो रहे हैं, अब तो बस मरियत उठाने का समय है, जनाजा ले जाने का समय है, अब तो कुछ भी नहीं रह गया है और आप मुझे फिर भी तसल्ली दे रहे हैं। तो पांचवी चीज जो यहां पर आपको सीखने को मिलती है वो ये है, दैट वी नीड टू हैव अ फ्रेश पैशन, एक नई आग, एक नया जज्बा। किस बात के लिए? उस बात पर ईमान रखने के लिए जो हम देख नहीं पा रहे। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है उस बात पर विश्वास करना जिसे हम देख नहीं पाते, और जब सिचुएशंस आंखों के सामने घूम रही होती हैं तो इस बात पर और भी मुश्किल हो जाता है विश्वास करना, जबकि आपकी सिचुएशन कुछ और हो और आपको बोला कुछ और जा रहा हो वचन के अलावा, वचन के साथ उस बात के अलावा, तो वो जो दोनों चीजें जब कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं, तो फिर वो और भी मुश्किल हो जाता है उस बात पर विश्वास करना। तो हमें वहां पर क्या चाहिए होता है, ये फिफ्थ जो बात है वो इस बात में शामिल होती है कि एक फ्रेश पैशन हमें चाहिए होती है उस बात पर विश्वास करने की जो परमेश्वर ने हमें कह दी। हालेलुया। सो ये पांच ऐसे स्टेप्स हैं, पांच ऐसी बातें हैं जिनके साथ आप अपने ब्रेक थ्रू को हासिल कर सकते हैं और आप परमेश्वर से अपने प्रार्थनाओं के जवाब को ले सकते हैं। आमीन। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, और अगर आप भी अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू की वेट कर रहे हैं, अगर आप भी अपने हालातों में परमेश्वर के आने की और एक बड़े छुटकारे की वेट कर रहे हैं, तो विश्वास करें कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने भेजा है ताकि आपको स्ट्रेंथन कर सके और आप इन सीढ़ियों पर चलकर अपने ब्रेक थ्रू को हासिल कर सके। आमीन। कम लेट्स जस्ट से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। जिंदा परमेश्वर, आपके वायदे सच्चे हैं,
आपका वचन सच्चा है, आपकी बातें सच्ची हैं और प्रभु आपकी हुजूरी के साथ हमें कॉन्फिडेंस होता है कि जो बातें आपने कही हैं वो हमारी जिंदगी में पूरी होंगी। प्रभु आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई और बहन हैं जो इस वीडियो को देखते समय ये सोच रहे हैं कि प्रभु उन्हें एक छुटकारे की ज़रूरत है। वो छुटकारा, वो प्रार्थनाओं का जवाब जो अभी तक उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है, तो प्रभु मेरी विनती है, प्रभु दीनता के साथ मैं आपके सामने ह्यूमिलिटी के साथ इस प्रार्थना को रखती हूँ कि प्रभु जिस जिस की जिंदगी में, जिस जिस एरियाज में, जिस जिस फोरम पर छुटकारे की जरूरत है, प्रभु जी आपकी ओर से वो छुटकारा रिलीज किया जाए, रिलीज किया जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु आप यू आर द लॉर्ड गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, प्रभु आप हर प्राणियों के परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रभु जिसे सेहत में ब्रेक थ्रू की जरूरत है, आज आपकी ब्रेक थ्रू उनकी तंदुरुस्ती में आ जाए मेरे खुदा परमेश्वर। आज जिसे पैसे में ब्रेक थ्रू की जरूरत है, आपका माइटी हैंड मूव करे मेरे प्रभु और उनके फाइनेंसेस में आपकी ब्रेक थ्रू दिखाई दे। आज जिसे अपने जिंदगी के रिश्तों और नातों में जरूरत है आपके ब्रेक थ्रू की, तो प्रभु आपका छुटकारा उनकी जिंदगियों के उस पहलू में दिखाई दे प्रभु यीशु। प्रभु आज अगर किसी की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है और आगे का रास्ता नजर नहीं आता, तो परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा आज उन्हें ब्रेक थ्रू के लिए उनके रास्तों को आप रोशन करें। और प्रभु आज अगर उनके बच्चों की जिंदगियों में उनको ब्रेक थ्रू की जरूरत है, तो आपकी ब्रेक थ्रू उनके बच्चों की जिंदगियों में दिखाई दे मेरे खुदा। अगर किसी की एडिक्शंस की लाइफ में प्रभु ब्रेक थ्रू की जरूरत है, एक नई रेस्टोरेशन की जरूरत है, एक नई डिलीवरेंस की जरूरत है, तो प्रभु यीशु के नाम में उनकी जिंदगी में ये सब चीजें रिलीज हो मेरे खुदा। प्रभु आज जिस जिस को, जिन जिन प्रार्थनाओं का आप उत्तर देना चाहते हैं, होने दे मेरे राजा, आपकी ओर से एक ब्रेक थ्रू के रूप में उनकी जिंदगियों में वो जवाब रिलीज किया जाए प्रभु यीशु के नाम। प्रभु मैं जानती हूं मेरे परमेश्वर, हमारी जरूरतों को आप पहले से ही जानते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को बोलने से पहले से ही जानते हैं, हमारी उन बातों को पहले से ही जानते हैं। तो प्रभु मैं आपके सामने खुदावन पूरे विश्वास और पूरी दीनता के साथ सिर्फ यही कहना चाहूंगी, लॉर्ड प्लीज मीट द नीड्स ऑफ योर पीपल। प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को, उनके आंसुओं को देखें मेरे राजा, और उनके घटी में आप ब्रिज बनकर खड़े हो जाए, उनकी कमियों में मेरे परमेश्वर आप अद्भुत काम करके अबंडेंस को ले आए मेरे प्रभु, ताकि जो प्रभु उनकी आंखें अभी स्वाभाविक तौर पर देख पा रही हैं, वो उस पर विश्वास ना करें, लेकिन जो आपका वचन कह रहा है उस पर ईमान रखते हुए आपकी ओर से एक टर्न अराउंड को अपनी जिंदगियों में देखने पाए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको सारी महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु ये महिमा किसी इंसान की नहीं है, सिर्फ आप ही की है। और पवित्र आत्मा प्रभु आपके इन कार्यों के लिए, आपके इन प्रार्थनाओं को परमेश्वर की वेदी के सामने उठाने के लिए और हमारी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अब आपने इन सब प्रार्थनाओं को सुन लिया है, आपने इन सब प्रार्थनाओं के जवाब को रिलीज कर दिया है, आपने मेरे परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगियों को एक नए जॉय, एक नई खुशहाली के साथ भर दिया है, इसके लिए राजा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देती हूँ। धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, अब वी थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव डन, और महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में होकर इन प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं, और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन।
आई ट्रूली बिलीव, मैं इस बात को जानती हूँ कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी में और आज की ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक बड़े ब्रेक थ्रू को लेकर आने वाली है। आई बिलीव इट। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप ज़रूर इस बात पर विश्वास रखें और अपने बड़े नजात को, अपने बड़े छुटकारे को, अपने बड़े ब्रेक थ्रू को परमेश्वर की ओर से हासिल करें। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। परमेश्वर आपके साथ रहें। हम अगले फ्राइडे फिर आपके साथ करेंगे मुलाकात, और आप हमारे पेज नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज पर बने रहें, क्योंकि हर दिन हम उस पर कुछ पोस्ट करते हैं आपकी उन्नति के लिए, आपको स्पिरिचुअली बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ YouTube पर भी नीतू पी चौधरी ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें भी हम कुछ वीडियोस डालते रहते हैं रेगुलरली। और हम आप हमारे WhatsApp पर भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जो कि 7508292916 है, जिसमें कि आप जो रेगुलरली ऑडियो मैसेजेस हैं वो आपको मिलते रहेंगे, और जो परमेश्वर में उन्नति के लिए आपके लिए जो पोस्ट है वो हम उसमें डालते रहते हैं। सो परमेश्वर आप सबके साथ हों। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, आप बिल्कुल मत भूलेगा अपनी टेस्टिमनीज़ को हमारे साथ शेयर करने के लिए। अपनी टेस्टिमनीज़ को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आई विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।